जरा आप इस पक्षी को देखो, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? नहीं। वेल, इसका नाम है डोडो बर्ड, जो शायद 16 सेंचुरी में विलुप्त हो गई थी, और इसका पीछे एक खास वजह था। 16 सेंचुरी में जब दास निवासी ने पहली बार भारत में अपना शासन कायम करने के लिए आया था, तब ये पक्षी पहली बार सबकी नज़र में आए थे। ये पक्षी भारत के मैरिस आइलैंड में रहते थे। दरअसल हुआ जरा यह था, 16 सेंचुरी में जब दास निवासी ने पहली बार भारत की मैरिस आइलैंड में पहुंचा, तब ये लोगों ने वहां पर बहुत सारे काले रंग का पक्षी देखा, जो देखने में बिल्कुल कबूतर जैसा था, लेकिन आकार में ये विशाल था। एक फुल एडल्ट डोडो की साइज होता था 3 फुट तक, और इसका वजन लगभग 20 kg तक होते थे। लेकिन इसका नाम डोडो कैसे हुआ, पहले वो जानते हैं। 16 सेंचुरी का 2 साल पहले, मतलब 1598 में, डच ट्रैवलर एडमिरल विब्रांड वैन वायरो ने भ्रमण करने का समय पहली बार ये पक्षी को देखा था। अब इतना बड़ा पक्षी है, तो इसका मांस खाए बगैर हम इंसान कैसे रह सकते हैं? तो एडमिरल ने ये पक्षी का मांस पहली बार खाया था, और एडमिरल को लगा था इतना बड़ा पक्षी का मांस जरूरी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन इसका पूरा उल्टा हो गया। डोडो का मांस के स्वाद इतना घटिया था, उन्होंने ये पक्षी का नाम रख दिया ओगला भोगन, जिसका मतलब था बेस्वादिष्ट पक्षी। फिर इसका कुछ साल बाद सरकार ने यह पक्षी का नाम डोडो बर्ड, यानी कि फूलिश बर्ड रख दिया, और तब से हम इसे डोडो बर्ड कहते हैं। ये पक्षी बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि अगस्त में डोडो के बच्चे की जन्म होता है, और ये समय पर मैरिस आइलैंड में बहुत ही ज़्यादा खाना मिलते हैं। वर्षा के मौसम में यहाँ पर भरपूर खाना मिलते हैं, लेकिन उसके बाद नवंबर से मार्च तक, यानी कि सर्दी के मौसम में, मैरिस आइलैंड में कोई खाना नहीं मिलता था, और इसकी वजह से ये समय पर प्रकृति के साथ खुद को टिकाए रखने के लिए डोडो के बच्चे बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाते थे। कम समय में डोडो की शरीर तो बढ़ता था, लेकिन इसका प्रजनन के लिए और भी बहुत साल रुकना पड़ते हैं। मैरिस आइलैंड में डोडो का खाने वाला ऐसा कोई जीव नहीं था, क्योंकि इसका मांस जो इतना घटिया है। तो आखिर में डोडो विलुप्त हुआ कैसे? जैसा बहुत ही छानबीन करने के बाद आखिर में ये पता लगा, डोडो बर्ड ने अंडे देने के समय पर इसका हड्डी का मिनरल्स बहुत ही कम हो जाते थे, जिसका वजह से इसका पंख गिरता था, और फिर नया पंख होता भी था, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं। लेकिन मोल्टिंग के समय पर अगर ज़्यादा मिनरल्स की कमी हो जाते तो ये मर जाते थे। तो इसी का चलते हुए ज़्यादा मिनरल्स कम होने की वजह से फीमेल डोडो ज़्यादातर मरने लगा, और फिर धीरे धीरे माता डोडो की संख्या कम होते गई, और इसका आबादी भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। साल 1662 में आखिरी बार एक डोडो को जिंदा देखा गए थे, उसके बाद डोडो का नाम अनुसार मिट गया, और इसे पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब मैरिस का नेशनल म्यूजियम में कुछ डोडो का हड्डी को सुरक्षित किया गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, आपके सवाल हमें कमेंट करो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके सवाल के साथ, तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।